तो हम लोग का 5 बेसिक फ्लिप जो कि हम लोग का हो चुका है और अभी मैं उसी का एक बोनस व्हाट्सअप पीपल, तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तुम्हारा भाई भी मस्त जबरदस्त। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये वीडियो है मेरे बिगिनर्स भाइयों के लिए और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5 बेसिक फ्लिप्स जो कि कोई भी कर सकता है। जो बिगिनर्स है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और जितना भी मैं बताऊँगा ट्राई करूँगा ईजी वे में बताऊँ, तो आप लोग ज़रूर सीखना और देन हम लोग साथ में ऐसे ही मचाते रहेंगे, लेट्स गो। तो आप लोग सीखो, तो मैं जितना भी बेसिक क्लिप्स बताने वाला हूँ तो आप लोग उसके लिए कुछ नहीं, अच्छे से स्ट्रेच करना, देन वॉर्म करना, देन करना। इसमें ऐसे इंजरीज होने का कुछ चांसेस तो है नहीं, देन फिर भी कर लेना ताकि वो अच्छे से और क्लियर हो। तो मैं पहले बताने वाला हूँ आप लोग को एरियल। तो मैं जितना भी बेसिक क्लिप्स बताने वाला हूँ कुछ भी वो सब हार्ड नहीं होने वाला, सब ईजी है। तो बस आप लोगों को कुछ नहीं, बस इतना आना चाहिए कि आप लोग जंप कर पाओ अपने पैर से, बस और कुछ नहीं। तो जैसे कि मैं अभी आप लोगों को एरियल बताने वाला, तो एरियल में कुछ करना नहीं पड़ता, एरियल कुछ इस तरह से दिखता है। मैं पहले आप लोगों को बता दिखा देता हूँ। ओ मेरा टोपी गिर गया। तो एरियल का कुछ सीन नहीं है, एरियल बहुत ज़्यादा इजी है। तो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एरियल करना कैसे है। कुछ नहीं, बस आप लोगों का जो, जैसे मैं अपोजिट साइड से करता हूँ तो आप लोग देखना आप लोग किस साइड से फ्लिप है, तो आप लोग उस साइड से करना। तो जैसे मैं इस साइड से करता हूँ तो मैं बताता हूँ अपने साइड से। जैसे मेरा लेफ्ट लेग है, बस लेफ्ट लेग को उठाना है और ऐसे रखना है, बस इजी है। लेफ्ट लेग को उठाना है, देन उधर रखना है, उठाना है, रखना है इधर। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इजी फ्लिप है, कार्डविल फ्लिप बोलो, ट्रिक बोलो, चलता है कार्डविल। बस हाथ रखना है और हाथ में ऐसे चलना है, हाथ में हम लोग को लुढ़कना है और बात करते हैं, हाथ में लुढ़कना है। तभी हम लोग करने क्या वाले हैं, जैसे कि मैंने ये पैर को उधर रखा था, अभी सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, हल्का से जंप करेंगे इस लेग से और इस लेग को वैसे ही लेके जाएंगे कुछ इस तरह से। जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना, बहुत ज़्यादा ईजी है, सीख जाओगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको घुमाना है, उससे जंप करना है, इसको घुमाना है, इसे जंप करना है, कुछ इस तरह से। बस अभी जब आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, थोड़ा रेस्ट करना और आराम से, उसके बाद ट्राई करना ये लेग को ज़्यादा बाहर से लेके जाना और इससे थोड़ा ज़्यादा जंप करना। और हम लोग जो कार्डविल कर रहे थे, जैसे कार्डविल में हम लोग हाथ रख रहे थे, देन इसमें हाथ रखना नहीं है, बस हम लोग को हल्का से जमीन स्पोर्ट करना है, बस हल्का से कुछ इस तरह से, बस इजी है। तो पहला बेसिक ट्रिप जो हम लोग का हो गया एरियल। तो अभी मैं बताने वाला हूँ आप लोग को बैक हैंड स्प्रिंग। तो बैक हैंड स्प्रिंग भी इजी है, तो उतना टेंशन मत लेना आप लोग। पहले हम लोग करते क्या है, मकाको करते हैं। तो मकाको में पहले करेंगे क्या, आप लोग देखना आप लोग का जोन साइड से वो साइड से करना। पहले एक हाथ रखना और कुछ करना नहीं, बस पैर को ऐसे फेंकना है, इजी है। हाथ रखना है और पैर को फेंकना है, बस। तो इसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस बता देता हूँ बैक हैंड स्प्रिंग करने के लिए। तो पहले हम लोग एक वो ब्रिज बनाते हैं। पहले हम लोग सो जाना और एक ब्रिज बनाना, ये एक्सरसाइज करना आप लोग। जैसे कि मेरा भी ब्रिज उतना अच्छा नहीं है, पर चलेगा, सही है, कर सकते हैं आप लोग भी। ब्रिज करना, एक ब्रिज करना बैक हैंड स्प्रिंग करने से पहले। और जैसे अभी मैं मकाको बता रहा था तो बताता हूँ, हम लोग जो अभी ब्रिज किए हैं सेम चीज़ मकाको ही करेंगे, बट हम लोग अपना बैक आर्च को थोड़ा ज़्यादा खोल के करेंगे कुछ इस तरह से। हम लोग टोपी की तो रख देते हैं, बार बार गिर रहा है। तो अभी सेम चीज़ क्या करेंगे, अभी हम लोगों हल्का से, जैसे हम लोग पहले से हाथ रखे हुए थे ग्राउंड पे, पर अभी क्या करेंगे, हम लोगों हाथ को रखेंगे देन फिर बेकार्स करके पैर को उधर फेंकेंगे। हाथ रखें, बेकार्स करके हाथ को फेंकें। आई थिंक आप लोग का इतना हो गया होगा क्योंकि ये इजी था। अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये हाथ को भी रखें, इसको, इसके बाद ये हाथ को कुछ इस तरह से। बस आप लोग को यहाँ से कूदना है, फेंकना है,
तो आप लोग उतना टेंशन मत लेना, हो जाएगा। हाथ रखना है कूद के, थोड़ा हाथ रखना और बेकार्च करना है, देन ये हाथ को रखना और थोड़ा बेकार्च करना है, बार बार बोल रहा है कुछ इस तरह से। अभी जैसे आप लोग करते रहोगे ना तो धीरे धीरे आप लोग का, मतलब अगर आप लोग डर भी रहे हो तो हट जाएगा, माइंड से डर हट जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो उतना डर नहीं लगे आप लोगों का। तो आप लोग ट्राई करना, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और अभी ट्राई करते हम लोग ये हाथ को, ट्राई करेंगे कि हम लोग थोड़ा सीधा रखें इसको, देन ट्राई करेंगे इसको इसे पीछे, और हमारा जो चीन है उसको पीछे ऐसे करके, चीन को पीछे करके फ्लोर को सपोर्ट करेंगे कुछ इस तरह से, इस तरह से बस। अभी सेम चीज़ और बार करते हैं हम लोगों, अच्छे से करेंगे। अभी इसको फेंक के करेंगे और देन फिर हाथ को ऐसे सीधा रखेंगे और चीन को बैक और फ्लोर को सपोर्ट करना है कुछ इस तरह से। तो आप लोगों को आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारा जो, जैसे हम लोग ये हाथ को पहले फेंक रहे थे, अभी ट्राई करेंगे कि हम लोग दोनों हाथ साथ में फेंकें। तो हम लोग स्टार्टिंग में नहीं करेंगे कि दोनों साथ में ऐसे डायरेक्टली फेंक दें, ट्राई करेंगे कि तिरछा साइड होके ही फेंकें दोनों हाथ साथ में, बट कुछ इस तरह से, इस तरह से। तो आप लोग इसको अच्छे से करना और उसको ड्रिल करना, प्रैक्टिस करना अच्छे से। और अभी हम लोग ट्राई करते हैं कि सेम चीज़ जो मैं पहले बताया था, चीन को पीछे, आप ट्राई करेंगे दोनों हाथ को साथ में फेंकेंगे और फ्लोर को सपोर्ट करेंगे। पर इसमें होता है क्या, बहुत किसी का ऐसे हाथ वो हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। तो आप लोग ट्राई करना, थोड़ा पुशअप कर लेना और थोड़ा हाथ में स्ट्रेंथ बढ़ा लेना। तो करते हैं कुछ इस तरह से। तो एक अच्छे से बैक हैंड स्विंग करके दिखाता हूँ, बस। तो अभी मैं आप लोगों को एक ट्रिकिंग का मूव बताने वाला हूँ, जो कि ऐसे मार्शल आर्ट में भी यूज़ होता है, जिसको 360 की भी बोलते हैं और टोर्नेडो की भी बोलते हैं। तो वो अभी ऐसे ट्रिकिंग का भी सीन थोड़ा बढ़ रहा है, तो आप लोग ट्राई करो कि ट्रिकिंग भी करो तो मज़ा आएगा। तो अभी मैं बताने वाला टोर्नेडो किक, तो दिखाता हूँ पहले वो होता कैसे है, कुछ इस तरह से दिखता है। टोर्नेडो किक के लिए आप लोग कुछ करना नहीं है, पहले आप लोग फ्रंट किक करना। फ्रंट किक में होता क्या है, सेम जैसे मैंने बताया, आप लोग देखना आप लोग का जोन से साइड से, वो साइड से करना, किक करना है बस, आगे में स्पोर्ट करना है और देन किक, स्पोर्ट किक, और पैर को रख देना है। तो अब लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ हमारा जो पीछे वाला पैर है उसको हम लोग स्विंग कराएंगे, और हमारा जो जो सा पे हम लोग किक कर रहे थे उसको पहले रखेंगे इसे करके ऐसे। अभी क्या करेंगे, इसको रखेंगे और एला पैर से कूदेंगे, सॉरी एला पैर से कूदेंगे और एला पैर से हम लोग ट्विस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, इजी है। करते हैं, रखें, कूदें, बस आप लोग को कूदना है, जितना भी मैं बेसिक फ्रिस बता रहा हूँ बस आप लोग को पैर से कूदना है, और जिस जिसमें हाथ रखना है उसमें हाथ रखना है। तो उतना सीन नहीं है, सेम चीज़ स्टेप लेंगे, अला पैर से कूदेंगे, अला पैर से घूमेंगे कुछ इस तरह से बस। तो अभी सेम चीज़ हम लोग वही करेंगे, स्टेप लेंगे, अला पैर से कूदेंगे और अला पैर से हम लोग ट्विस्ट करेंगे। बट अब ट्राई क्या करेंगे हम लोगों, जो सा पैर हम लोग को पीछे है, स्टेप लेने के बाद जो सा पैर हम लोग को पीछे है उसको थोड़ा ऊपर से लेके जाएंगे और देन उसको जल्दी लेके आएंगे कुछ इस तरह से, इस तरह से। और कुछ करना नहीं है, एक स्टेप है, ढोल बाजे वाला स्टेप करना है बस आप लोगों को, कुछ इस तरह से घूम घूम के स्टेप कूदना है, कूदना है, ईजी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था, इसको पहले रखेंगे, इसे टेकअप लेंगे, इसे स्पिन कराएंगे और इसको जल्दी लेकर आएंगे। बट अभी ट्राई करेंगे कि इससे हम लोग को स्पोर्ट करके किक भी करना है कुछ इस तरह से। तो बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, आप लोगों का शक्तियों का सही इस्तेमाल करना यहाँ पे बस। सेम चीज़ हम लोग ट्राई करेंगे कि स्पोर्ट करें, अच्छे से किक करें अभी और देन इसको जल्दी लेकर आए ऐसे। और अभी ट्राई करेंगे, सब हो गया हम लोग ये यहाँ तक, अगर आप लोग आ गए तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग सीख चुके होंगे। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे हमारा जो बॉडी है
उसको हम लोग सीधा रखें, सीधा रखना है बॉडी को सीधा। क्या देख रहे हो गया सबका, बस यही तक था, हो गया टोर्नेडो केक सब सीख चुके हो। अब एक बार अच्छे से करते हैं, टाटा। सॉरी। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं चीट गनर, तो इतना एडवांस वाला चीट गनर आज हम लोग नहीं सीखेंगे, पूरा बेसिक वाला सीखेंगे, जैसे कि आप लोगों ने एरियल सीखा कूद के कुछ इस तरह से। सेम चीज़ हम लोग को जे स्टेप लेना है, जे स्टेप जैसे कि अगर आप लोग मेरा पुराना ओल्ड वीडियोस देखे हो तो अगर आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं देखो तो मैं अभी भी बता देता हूँ जे स्टेप होता कैसे है। हमारा जो पहला पैर होता है वो सामने, देन दूसरा पैर थोड़ा दूर, सामने दूर और पैर फेंकना है, सामने दूर पैर फेंकना है। अभी सेम चीज़ हम लोग करेंगे, क्या पैर फेंकेंगे दूसरा पैर से कूदेंगे, 1 2 3 4 कुछ इस तरह से। और अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कार्डविल मारेंगे, 1 2 3 इजी है, कार्डविल मारना है बस, पैर फेंकना है और हम लोग को पैर फेंक के देन दूसरा पैर से कूद के साइड जाके कार्डविल मारना है। अभी फिर से हम लोग कार्डविल करते हैं कुछ इस तरह से। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे जो हम लोग एरियल किए थे इससे पहले, तो ट्राई करेंगे वैसे ही सीधा कूद के हम लोग पैर फेंक के एरियल करते हैं इसमें जिस स्टेप के साथ, 1 2 कुछ इस तरह से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग एरियल कर लिए, कार्डविल कर लिए पैर फेंक के, आप लोग यहाँ तक आ गए हो, यहाँ तक कर लियो तो मीन्स आप लोग को समझ में आ रहा है और चिड़ियाघर का आप लोग बेसिक हो चुका आप लोग का। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे एक अच्छे से चिड़ियाघर करने का। तब हम लोग क्या करेंगे, पैर को थोड़ा अच्छे से स्विंग करेंगे, दूसरे पैर से अच्छे से कूदेंगे और जो हम लोग एरियल कर रहे थे उसमें ज़मीन स्पोर्ट करेंगे, जो जैसे कि मैंने बताया था ज़मीन स्पोर्ट करना है कुछ तक। तो टाटा, सीख चुके आप लोग चिड़ियाघर, और जब आप लोग चिड़ियाघर पूरे अच्छे तरीके से सीखोगे तो आप लोग का चिड़ियाघर कुछ इस तरह से होगा, जिसमें आप लोग का जैसे मैंने बैक हैंड स्प्रिंग में बताया था चिन पीछे, चिड़ियाघर में भी वैसे ही चिन पीछे पैर फेंक के मारना एरियली है, बट चिन पीछे जाएगा तो आप लोग का कुछ इस तरह से हो जाएगा चिड़ियाघर। तो हो गया, तो हम लोग 4 बेसिक फ्लिप एंड ट्रिक्स सीख चुके हैं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं एक रोलिंग, सुन के बहुत ऑकवर्ड लग रहा है ना, आप लोग भी सोच रहे होंगे इतना कुछ 4 फ्लिप मैंने करवाया और अभी रोलिंग करवा रहा हूँ लास्ट में, पर ऐसा नहीं है, मैं बताने वाला हूँ एडवांस रोलिंग, तो वो कुछ इस तरह से होगा। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि रोलिंग करना कैसे है, कुछ नहीं, ऐसे हाथ रखना आप लोग को और अपना हेड को इसे अंदर डालना है और पैर से हल्का से पुश करना है, ज़्यादा नहीं, बस हो गया, ऐसे ही सीख गया आप लोग। तो अभी अच्छे से करते हैं एक बार, सेम चीज़ वैसे ही हाथ रखना है, हेड को डालना है और लुढ़कना है। तो जैसे कि हम लोग का इतना रोलिंग हो चुका है तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे, थोड़ा से पहले हाथ रखेंगे और पैर से जंप करेंगे ऐसे बस, और उसके बाद फिर हम लोग अभी हेड को सेम वैसे अंदर डालेंगे। तो आप लोग अगर इतना हो चुका है ट्राई करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा इतना हाफ सीटिंग में करते हैं, अभी सेम चीज़। अभी हम ट्राई करेंगे थोड़ा और हाइट से करने का, हो गया। तो जैसे कि हम लोग रोलिंग भी सीख गए, तो जैसे कि हम लोग का 5 बेसिक फ्लिप्स और ट्रिक्स जो कि मैंने बताया जो कि हम लोग का हो चुका है, तो अभी मैं आप लोगों को उन्हीं का एक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, तो करते हैं।
तो जैसे कि मैंने उन्हीं पांच बेसिक फ्लिप्स का, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन बताया, अगर आप लोग जैसे कि उस पांच बेसिक फ्लिप को जैसे कि आप लोग ट्रेन करते हो और देन फिर इसको भी करोगे तो आप लोग करने में मज़ा आएगा और आप लोग का ट्रिक्स और अच्छे से ड्रिल होगा और वो लोग को आप लोग सोलो सोलो भी ज़्यादा ट्रेन करना, देन उसके बाद फिर ये सब करना। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा, आई होप आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना और जो भी चैनल में नए हो वो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे तो फिर कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल कैसा चाहिए, किस चीज़ में चाहिए, किस चीज़ में चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। टिल देन, नेक्स्ट ट्यूटोरियल से पहले बाय, पीस आउट, पीस आउट।